खंडवा से रजा खान की रिपोर्ट। खरगोन जिले के कसरावद न्यायालय में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक प्रकरण परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण सहित अनेक प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी के अंतर्गत कसरावद न्यायालय परिसर में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, BSNL काउंटर लगाया गया था, जिससे लगभग 45,44,000 की राजस्व प्राप्ति हुई। लोक अदालत का शुभारंभ कसरावद न्यायाधीश संतोष सैनी और अजय सिंह यादव द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अश्विन जोशी सहित अक्षय राठौर, पैरा लीगल वॉलंटियर अखिल खान सहित कर्मचारी मौजूद थे। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेशनल बृहत लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें सिविल, फौजदारी, बैंक और राजस्व नगर पालिका से संबंधित प्रकरण रखे गए हैं। इसमें पक्षकारों को काफ़ी जो टैक्सेस वगैरह है उसमें छूट दी गई है, पक्षकारों को अधिक लाभ होगा। और जो न्यायालय में लंबित मामले हैं उसमें भी जो 138 के प्रकरण है उसके अंदर कोर्ट फीस वापसी होगी, तो उसमें पक्षकारों को अधिक लाभ होगा और अच्छा उत्साह है। अच्छा, ऐसे कोई मामले जिससे समाज को एक नई दिशा मिले या समाज को नई सोच मिले, ऐसे कोई मामले जो लोक अदालत द्वारा निपटाए गए हों? देखिए, लोक अदालत में तो जितने भी मामले हैं सब समाज को एक नई सोच देने के लिए है ना। तो जितने भी सिविल लिटिगेशन है चाहे क्रिमिनल लिटिगेशन है, अगर वो मेडिएशन के माध्यम से निपट जा रहे हैं, उनका निराकरण लोक अदालत में हो रहा है, तो उससे समाज में एक नई सोच डेवलप होगी कि उसका मुकदमे का सीधा निराकरण कैसे हो सकता है।